क्या आप जानते हैं अपने जिस्म का अंग अंग फड़काकर दुनिया को दीवाना बनाने वाली हॉट एंड सिजलिंग नोरा फतेही का स्कूल के टाइम में उनके डांस को लेकर मजाक बनाया जाता था। आई नो कि ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि 18 साल की उम्र में वेटरिंग के जॉब के दौरान नोरा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई, और आखिर नोरा ने ऐसा क्यों कहा कि मर्द गोल मटोल और कर्वी महिलाओं को ज्यादा पसंद करते हैं, और वो कौन सा फेमस इंडियन एक्टर है जिसने नोरा को धोखा दिया था। ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। बॉलीवुड बेली डांसर नोरा फतेही एक एक्ट्रेस, डांसर होने के साथ ही एक मॉडल भी है। लोग नोरा को दिलबर गर्ल के नाम से पुकारते हैं। इस गाने ने नोरा को खूब पॉपुलैरिटी दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि आज नोरा बॉलीवुड के नंबर वन डांसर बन चुकी हैं। वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D से भी उनके फैंस और दीवानों की तादाद में इजाफा हुआ। नोरा ने बहुत स्ट्रगल के बाद ये मुकाम पाया है। सालों की कड़ी मेहनत इसके पीछे है। नोरा फतेही मूल रूप से मोरक्को की रहने वाली हैं, इसलिए इनका जन्म कनाडा के क्यूबेक सिटी में हुआ। वहीं नोरा की पढ़ाई लिखाई और परवरिश हुई। एक डांसर बनने से पहले उन्होंने कई तरह की नौकरियां भी की। इसका खुलासा खुद नोरा ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि पहली जॉब उन्हें एक शॉपिंग मॉल में मिली थी, जहां उन्हें एक स्टोर की देखरेख के लिए रखा गया था। इसके बाद उन्होंने टेलीकॉलर की जॉब की। इसमें वो लॉटरी के टिकट बेचा करते थे। इसके लिए उन्हें सैलरी और कमीशन दोनों मिलता था। इसके बाद वो एक कॉफी शॉप में वेटरेस की भी नौकरी कर चुके हैं। नोरा बताती हैं कि इस जॉब से वो अच्छी कमाई कर लेती थी। इस जॉब के दौरान नोरा बताती हैं कि उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। नोरा ने बताया कि इस दौरान उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की घटना भी हुई। वो बताती हैं कि कई बार कस्टमर्स के मन में काफी कुछ घटिया भी होता था, और इस सिचुएशन को हैंडल करना हर किसी को पता होना चाहिए। वो आज तक उस वक्त को नहीं भुला पाई हैं। इसी दौरान नोरा ने एक एजेंसी ज्वाइन कर ली। इस दौरान उन्हें इंडिया से एक एड फिल्म का ऑफर मिला, जिसके चलते नोरा कनाडा से इंडिया आई। नोरा फतेही जब कनाडा से इंडिया आई थी, तब उनके पास महज 5,000 रुपए थे। इंडिया आने के बाद उन्होंने यहाँ पर हिंदी बोलना सीखा। इसी के चलते उन्हें शो होस्ट और डांस करने का मौका मिलने लगा। बस फिर कभी दिलबर गर्ल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में फिल्म रोड से शुरुआत की, और इसके बाद तेलुगु फिल्मों में उन्हें बहुत से चांसेस मिले। इसमें बाहुबली और किक 2 जैसी फिल्में भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, नोरा रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 9 में भी आ चुकी हैं। इसके बाद 2016 में एक और रियलिटी शो झलक दिखलाजा में नोरा ने डांस का अपना असली टैलेंट दिखाया था। झलक दिखलाजा के बाद इनको बॉलीवुड फिल्मों के गानों के ऑफर हुए। इसी बीच नोरा का अफेयर एक्टर अंगद बेदी से चला, जो अब एक्ट्रेस नेहा धूपिया के पति हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नोरा फतेही कभी नेहा धूपिया के पति अंगद बेदी के प्यार में दीवानी थी। नोरा उस समय 26 साल की थी, लेकिन अंगद ने नोरा को धोखा देकर चोरी छिपे नेहा धूपिया से शादी रचा ली, जिससे नोरा को काफी बड़ा झटका लगा था। इसकी वजह से वो करीब 2 महीने तक बहुत परेशान रहे थे। नोरा से रिलेशन के बारे में जब पूछा गया, तो एक इंटरव्यू के दौरान अंगद ने बताया कि वो नेहा से पहले नोरा फतेही के साथ रिलेशन में रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर रिश्ता हम ज्यादा वक्त तक नहीं संभाल पाते, तो बेहतर यही होता है कि रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। कोशिश जरूर की जाती है कि रिश्ते को बनाए रखा जाए, और उन्होंने भी ये कोशिश की थी, लेकिन उनका ये रिश्ता सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि अंगद से ब्रेकअप के बाद नोरा ने खुद को संभाला और धीरे धीरे अपने काम की तरफ आगे बढ़ने लगी, और आज बॉलीवुड में खूब नाम कमा रही हैं। अंगद के अलावा नोरा वरिंदर घुमान को भी डेट कर चुके हैं। वरिंदर घुमान एक बॉडी बिल्डर हैं। इन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब नोरा फतेही स्ट्रगल कर रहे थे और वरिंदर घुमान अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों कुछ वक्त तक ही एक दूसरे को डेट कर पाए, और इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी राह अलग अलग चुन ली। इसके बाद प्रिंस नरोला, जो कि एक अभिनेता और टीवी पर्सनैलिटी हैं, नोरा फतेही उनके साथ भी एक समय रिलेशन में रह चुके हैं। नोरा फतेही और प्रिंस नरोला की मुलाकात बिग बॉस में हुई थी, और इस शो में इन दोनों के बीच काफी नोकझोंक दिखाई देते थे, और इनके बीच रोमांस भी नजर आता था। शो से बाहर आने के बाद भी इन दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई, और इसके बाद कुछ टाइम तक इन दोनों ने डेट भी किया। लेकिन प्यार तो प्रिंस नरोला युविका चौधरी से ही करते थे, जहां धीरे धीरे उनके साथ उनकी लव लाइफ आगे बढ़े और प्रिंस नरोला ने नोरा फतेही को पीछे छोड़ दिया। एक बार नोरा फतेही ने अपने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि कनाडा में गोल मटोल और कर्वी महिलाओं को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, दुबली पतली लड़कियों को खास पसंद नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि ये कल्चरल मेंटेलिटी है, और इसलिए हम लगातार खाते रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले नोरा फतेही का डांस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया था। इस वीडियो में नोरा ने अपने बेली डांस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिसके कारण इस गाने ने सोशल मीडिया पे कई रिकॉर्ड तोड़े थे। आपको बता दें कि ये गाना एक मलयाली फिल्म आयाम कुलम कुचुन्नी का था, और इसको नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, जिसके कुछ मिनटों बाद ही इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब पहली बार उन्होंने अपने स्कूल में अपने कुछ दोस्तों को डांस दिखाया था, तो उनके डांस को देखकर लोगों ने खूब मजाक भी बनाया था। उनके दोस्त नोरा पे खूब हंसते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयास को लगातार जारी रखा। जब वो हाई स्कूल में गई, तो एक दिन उन्होंने अपने ही स्कूल के डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, और उनके डांस ने सभी को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया, और वो प्रतियोगिता भी जीत गई।
तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।